नमस्कार, आपका यूवी इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अवंतिका में, जिसका इशू पिछली बार भी मैंने उठाया था, यहाँ पर एक मंदिर है, शिव शक्ति महाकाली मंदिर, जिस पर कि RWA ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। उस कब्जे में इनका अपना निहित स्वार्थ है, तभी इन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। और स्वार्थ क्या है ये सभी जानते हैं। मंदिर में जो पैसा आता है उसका, जिस तरह से ये RWA का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह मंदिर के पैसे का दुरुपयोग करना इनका उद्देश्य है। इन्होंने जिस तरह से मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उसके पक्ष में कोई भी अवंतिका वासी नहीं है। जो कि अभी हाल ही में उत्थान समिति की जो मीटिंग हुई है, उसमें सभी के प्रस्ताव आए कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से धर्म के स्थान को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। और इन्होंने एक धार्मिक स्थान पर अवैध रूप से कब्जा करके उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, जबकि RWA अलग होनी चाहिए और मंदिर समिति अलग होनी चाहिए, और पहले थी भी, लेकिन इन्होंने उस मंदिर समिति को हटाकर डरा के, धमका के और अपने सारे हटकंडे जितने भी इनके हैं अपनाते हुए इन्होंने उसको हटाया और उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। जबकि इनके बायलॉज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर भी ये खेल खेला है। अवंतिकावासी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो सबसे पहले इनको उससे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वो भगवान का स्थान है, सबको वहाँ जाने का, अनुष्ठान करने का, पूजा करने का बराबर से हक है। वहाँ पर कोई भी जाके पूजा कर सकता है, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है या हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर किसी भी कार्यक्रम को करने या अगर कोई करना चाहता है तो चुनिंदा लोगों ने उस पर कब्जा करके एक उसको बना दिया है कि यहाँ पर आप बिना हमारी परमिशन के कोई काम नहीं कर सकते। अब देखिए, इनकी सबसे बड़ी, इनकी जो इन्होंने मंदिर का अभी पुनर्निर्माण हुआ है, तो पुनर्निर्माण में इन्होंने शिवलिंग की स्थापना फिर से कराई है। और शिवलिंग की स्थापना में सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये करी है कि जो जलाधरी होती है, शिवलिंग से जो जल चढ़ाया जाता है और जल का पानी जो निकल के जो जाता है आगे, तो वो जलाधरी इन्होंने बनाई है मंदिर के बीचों बीच से होती हुई, वो शिवलिंग से होके सामने शिव परिवार है, शिव परिवार में जाकर वहाँ पर जाती है, नाली के रूप में इन्होंने वहाँ तक निकाला हुआ है, उसके ऊपर पत्थर से उसको ढका हुआ है इन्होंने, नाली के रूप में वहाँ निकाल कर इसके बाद उसको वहाँ से ले गए हैं ये बाहर की तरफ। और वहाँ इन्होंने अभी जो आज की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है कि वहाँ एक गंदा पानी बाहर नाली, गंदे नाले की पानी बह रहा है, गंदा नाला है, उस गंदे नाले में इन्होंने उस जलाधरी का पानी गिराया हुआ है, जबकि ये पूरी तरह से दोषपूर्ण है। आप जलाधरी के पानी को गंदे नाले में नहीं मिला सकते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार। इसके अलावा आप ने जो जलाधरी बनाई है उसको कोई लांग नहीं सकता, उसका बहुत बड़ा दोष होता है, लेकिन इन्होंने सारे धार्मिक शास्त्रों का, सबका, इन्होंने स्वयंभू भगवान ये खुद बन गए हैं, सबको इन्होंने किनारे कर दिया है, सबको ताक पे रख कर वो इन्होंने जो भी काम किया है, इससे पूरे अवंतिकावासी, क्योंकि देखिए आम लोगों को नहीं मालूम होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कोई भी श्रद्धालु जाता है तो वो तो बगल में गणेश जी हैं शिव परिवार के, गणेश जी के पास जाएगा, शिव परिवार के
दर्शन करेगा तो ऑटोमेटिक वो जलाधरी लंग जाती है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि पत्थर के नीचे नाली बह रही है जलाधरी की। तो इसमें मैंने कई लोगों के जो अपने महंत हैं दुधेश्वरनाथ मंदिर के, उनका मैंने व्यू जाना, और हमारे विंध्यवासिनी माता के विंध्याचल धाम के पंडित मिट्टू मिश्रा हैं, उनका भी विचार है, जो वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप देखिए और फिर खुद ही आप विचार करिए कि क्या ये सही है। देखिए, जो शिवलिंग का परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा हम लोग आधा परिक्रमा करने का विधान है। तो जैसे सूर्य की 7 परिक्रमा करते हैं, विष्णु जी की 4 करते हैं और देवी देवताओं की 4 करते हैं, भगवान शिव का जो है वो अर्ध परिक्रमा होती है। तो उसमें ये बोलते हैं कि शिव जो है, शिव का जलेरी में वो ज्योति रूप में है, शक्ति रूप में है, शिव और शक्ति। तो इसमें क्या है कि उसकी दोनों स्वरूप जो है उसमें मिल जाते हैं। जब कोई जल चढ़ाता है उसको जो है भगवान शिव को जो है, मान लीजिए कि कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, तो उसका एक शक्ति का ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा बनने के बाद में उसका जो है एक तरह से वो गंगा जी का स्वरूप भी बन जाती है, जो गंगा स्वरूप है। कि शिव जी के जलेरी के ऊपर गिरने के बाद में, शिव जी के सिर में जाने के बाद शिव शक्ति के, तो वो शक्ति के रूप में गंगा रूप में भी हो जाता है। तो कई प्रकार की जो है इसमें ऊर्जा शक्तियाँ होती है। तो शास्त्रों में नियम है कि जो है अपना इसको ऐसे इधर हाथ के घुमा कर, जैसे घड़ी घूमती है उस तरीके से घुमा कर, अपना दूसरी तरफ से फिर वापस करके पूरा परिक्रमा भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि बहुत, मान लीजिए 20 फुट नीचे जलेरी है, तो ऊपर से उसका वो लेंटर वगैरह डाला हुआ है, वो बंद किया हुआ है, तो उसके ऊपर से पूरी परिक्रमा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसमें पूरी परिक्रमा भी जो कम से कम 20 फुट नीचे जो जलेरी हो और उसमें कंक्रीट से या मिट्टी वगैरह से पूरा तरह से बंद किया हुआ, उस तरह से जो है वो जलेरी की परिक्रमा, उसकी भी पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। और भगवान का क्या है कि कोई भी पूजा पाठ करने के बाद में, परिक्रमा करने के बाद ही पूर्ण होता है। अर्धचंद्रमा, क्योंकि भगवान शिव के सिर पर अर्धचंद्रमा रहता है, तो अर्धचंद्रमा के स्वरूप में भी उसको परिक्रमा को लोगों को और शास्त्रों में कहा गया है कि अर्धचंद्रमा के रूप में भी शिव जी का जो है वो परिक्रमा हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पूरा परिक्रमा में कभी जैसे जल है हमारे पैर से लग जाता है, तो बहुत से पॉइंट आप देखते हैं कि जो सिर के और पूरा होता है, तो बहुत से चीज़ें जो उस जल को स्पर्श पैर में पड़ने से हो सकता है कि आपका बहुत से जो हमारे शरीर के जो है बहुत से गुप्त अंग है उसमें बहुत बड़ा असर पड़ता है, उसमें नुकसान भी होता है और उसकी ऊर्जा भी नष्ट होती है और कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान में कहा गया कि शिव की जो है वो अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए, ऐसे शास्त्रों का नियम है। देखिए, भगवान शंकर को बोले सुर असुर नाग मुनि देवा शंकर पद करे सब सेवा। शंकर जी के लिए कोई अप्रिय नहीं है, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, देवी गंधर्व वगैरह कोई भी हो। तो जो शिव जी के लिए कोई अप्रिय नहीं है, तो शिव जी का ऊपर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना किसी के लिए भी दोष नहीं है। और कुछ जैसे शास्त्र वगैरह में ये नियम बताया गया है कि जैसे ज्योतिर्लिंग है उसका जो है वो हम लोग खा सकते हैं, और जो मनुष्य द्वारा स्थापित कोई शिवलिंग वगैरह होता है उसको जो नहीं खाना चाहिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को भगवान शिव को सबके प्रिय है और उसको किसी को भी खाने में दोष नहीं है। सभी लोग भगवान का जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद है वो खा सकते हैं, इसी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। देखिए, ये तो क्या होता है, कुछ लोग जो मानसिक रूप से विकृत मानसिकता वाले होते हैं और कुछ मेंटल होते हैं, पागल होते हैं, वो इस तरह से बात करते हैं। किसी भी स्त्री के लिए शिवलिंग को, वो ज्योति रूप में है शिवलिंग, कोई वो जो मनुष्य की मानसिकता है वो दूसरी तरह सोचता है। शिवलिंग का मतलब होता है ज्योत है, वो ज्योत स्वरूप है, शिव शक्ति का उसमें संगम है। तो इसको किसी भी स्त्री से, पुरुष से, चाहे बच्चा है, चाहे कन्या है, कोई भी किसी को भी छूने से, उसका अभिषेक करने से, और ऐसे शास्त्रों में तो यह तक बताया गया है कि जो शिवलिंग है उसका पंचामृत हम बनाते हैं, उसको अच्छी तरह शिवलिंग को लपेटना है दोनों हाथों से, उसको मलना है अच्छी तरह, मल कर जो है उसको है, तो ये जो अच्छी तरह से अपने हाथों से मल कर ही उसको पूजा करना है। तो ये आपके बहुत से प्रकार के जो दोष होते हैं वो संबंधित जो है ग्रह दोष वगैरह है वो भी निवारण होते हैं। तो इसलिए इसमें जो लोग बात करते हैं वो कभी कोई काल्पनिक बात करते हैं और उनका वो किसी आधारहीन है, कोई शास्त्रों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि इसमें भाई इसमें जो है वो स्त्री को, कन्याओं को या स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए।
जलाधरी, जैसा कि महंत नारायण गिरी जी ने बताया कि जलाधरी अगर है, अगर आप नीचे बना रहे हैं उसके ऊपर आप पत्थर लगा रहे हैं, लेकिन वो जलाधरी जो है ज़मीन से कम 20 फीट नीचे होनी चाहिए, ज़मीन से 20 फीट नीचे, तब वो नाली आप बना रहे हैं 20 फीट नीचे से अगर नाली जा रही है तब फिर सही है। लेकिन इन्होंने तो एक फीट भी नहीं है, आधा फीट पे इन्होंने नाली बना के उसके ऊपर बस पत्थर से ढक दिया उसको और सब लोग लांग रहे हैं उससे, उसका कितना बड़ा दोष होता है। लेकिन इनका जो घमंड है वो कुछ भी सुनने को नहीं तैयार है, ना कोई भी चीज़ समझने को तैयार है, जिसने कि आज अवंतिका की ये हालत बना दी। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार किसी मंदिर में या घर में पूजा करते समय प्रतिमा की परिक्रमा करने से पुण्य बढ़ता है, विचारों में सकारात्मकता और पवित्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और मन भक्ति में लग जाता है। इसीलिए देवी देवताओं के परिक्रमा करते समय हम यह मंत्र बोलते हैं, यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र का अर्थ होता है जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों में भी किए गए सारे पाप हमारे इस प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। भगवान मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करे। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी सभी देवताओं के परिक्रमा की संख्या तक बताई गई है, जिसमें भगवान सूर्य देव की परिक्रमा 7 की जाती है, 7 बार सूर्य की परिक्रमा की जाती है, श्री गणेश की 3 बार परिक्रमा की जाती है, श्री विष्णु और उनके अवतारों की 4 बार परिक्रमा होती है, देवी दुर्गा सहित सभी देवियों की 1 बार परिक्रमा होती है, हनुमान जी की 3 बार परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की जो है परिक्रमा आधी परिक्रमा ही की जाती है, क्योंकि शिवलिंग की जलधारी को लांघा नहीं जाता है, जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है, इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही की जाती है। अब बहुत से शिव भक्तों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्यों वर्जित है जलधारी लांघना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, तो नीचे का हिस्सा माता पार्वती का प्रतीक माना गया। इस तरह से शिवलिंग को शिव और शक्ति को सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे ही जलधारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह सदा होते रहता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश समाहित हो जाते हैं। इसलिए जब कोई शिव भक्त परिक्रमा करते समय जाने और अनजाने में शिवलिंग के जलधारी को लांघता है तो उसके पैरों के बीच से होते हुए ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही गर्म और शक्तिशाली होती है। यही कारण है शिवलिंग के ऊपर सदैव एक कलश में लगा होता है आपको टप टप गिरने वाला जल, और उससे आपको शिवलिंग पर ठंडक प्रदान की जाती है। ये थी अध्यात्म की बातें। शिवलिंग के वैज्ञानिक पक्ष को भी जान लेते हैं। शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी समानताएं देखी गई हैं। दोनों की संरचनाएं भी एक जैसी होती हैं, दोनों ही ऊर्जा से संबंध रखते हैं। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने के नियम है। देश में ज़्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां जल का भंडार है, जैसे नदी तालाब समुद्र के तट पर। विश्व के सारे न्यूक्लियर प्लांट को भी यदि हम देखें तो ये समुद्र के पास हैं। शिवलिंग की संरचना बेलनकार होती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार है। आपको बता दें सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही होते हैं, तभी उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव सभी
महादेव के जितने सभी प्रिय पदार्थ हैं जैसे बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जो जल का इस्तेमाल किया जाता है उस जल को किसी और प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसी तरह शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जा सकती है। जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले जल को भी दूर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी रिएक्टिव हो जाता है और तभी जल निकासी नालिका को लांघा नहीं जाता है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिज़ाइन भी शिवलिंग की ही तरह है। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को नदी के बहते हुए जल में डालने की परंपरा रही है, जिससे नदी का जल शिवलिंग के जल के साथ मिलकर औषधि रूप ले ले। इसलिए हम सबको शिवलिंग के जल को सीवर में न डालकर किसी वृक्ष के जड़ में डालना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी संरक्षित हो। बहुत से शिव भक्तों में भगवान शिव के प्रसाद को लेकर भी मन में प्रश्न होते हैं कि जहां हम सभी देवी देवताओं के चढ़े प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भगवान महादेव जी के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद निषेध क्यों माना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता के बारे में। पुराणों के अनुसार शिव जी के मुख से भूत प्रेतों का प्रधान चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ। शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को इसी चंडेश्वर का भाग या अंश माना गया, यानी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों को अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कुछ मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, जबकि शिवपुराण के अनुसार शिव जी का प्रसाद सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। जो शिव जी के प्रसाद को के दर्शन कर लेते हैं उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक चंडेश्वर की बात है तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी एवं चीनी मिट्टी से होता है उन शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इन शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए, जबकि ज्योतिर्लिंग व धातु और पारद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश नहीं होता, यह महादेव का भाग होता है। इसलिए इन्हें ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगता। देखिए कि जो ये तो दोषपूर्ण है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का जो जल है वो कभी भी जो है किसी नाली में या गंदगी में नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए कोई बहुत बड़ा जो है 100 फुट का या 200 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें पृथ्वी के ऊपर में अंदर भेजना है उसको जल को, उसको ऊपर में जाल वगैरह लगाकर जाल को जो है जगाकर फिर जो है पृथ्वी के अंदर भेजना चाहिए। तो नाली में जो जाता है तो वो उसमें भगवान का शक्ति छीन हो जाती है और उसको किसी प्रकार का जो पूजा करते हैं उनको भी और जो पुजारी उनको भी वो मानसिक रूप से विकृत रूप के रूप में हो जाते हैं। इसलिए भगवान का जलेरी का जल किसी भी नाली में किसी भी गटर में जाना नहीं चाहिए, वो एक तरह से दोष है। और ये जहाँ भी कोई शहरों में वगैरह इस तरह से करते हैं तो उसको भी कुछ अपना जो है एक नीचे कुआँ बनाकर वो कुएँ में जल को डालना चाहिए, ऐसे विधान है। और उसको जो है नाली में मेरे दृष्टि से वो जो है नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। RWA अध्यक्ष की पैसों की लालसा आप देखिए कितनी है, पैसों का मोह आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप किसी भी त्यौहार पर चले जाइए, आपको RWA अध्यक्ष वहाँ पर सिक्के गिनते नजर आ जाएंगे और सिक्कों के चट्टे बनाते नजर आ जाएंगे कि कैसे चट्टे बना रहे हैं सिक्कों के और सिक्के गिन रहे हैं वहाँ पर। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनको पैसों से कितना प्यार है। पैसों से प्यार होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप अवैध कमाई कर रहे हो। आपने तो जनता को लूटने का और कैसे हमें अवैध तरीके से पैसा कमाना है इसको आपने एक जरिया बना लिया है। जनता सब देख रही है और एक दिन आपका हिसाब अवश्य करेगी।